नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपकी क्वेरी कुछ इस प्रकार से रेज्ड हुई है तो इस क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको किस प्रकार से देना है और क्या जितने वर्किंग डेज में ये बोला है 3 से 4 वर्किंग डेज में क्या उतने दिन में ही अपलोड करना होता है या उसके बाद भी अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे तो क्या परेशानी हो सकती है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बगल में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको जो है क्या करना रहता है, आपको डैशबोर्ड पर जा करके आपको स्टेटस चेक करना होता है। चेक करेंगे स्टेटस, अगर आपकी क्वेरी कुछ आई है इस प्रकार से तो इस क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको किस प्रकार से देना है और कैसे अपलोड करना है, तो सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, इनकी क्वेरी रेज्ड हुई है, इन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें दिया है अपलोड हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट एंड अपलोड कंप्लीट इंटर्नशिप सेक्शन 5 अटेस्ट बाय कॉलेज प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड स्टाम्प, अपलोड फाइनल कॉलेज अप्रूवल लेटर। देखिए, इतनी सारी डॉक्यूमेंट की क्वेरी एक ही उस पर जो है रेज कर दिया है, एक ही बार में इतनी सारी क्वेरी रेज्ड हुई हो गई है। तो इनको काफ़ी सारा कंफ्यूजन था और इनका जो है 3 से 4 वर्किंग डेज पूरा भी हो गया था। तो इन्होंने मैसेज किया कि सर, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और मेरा 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया है, करीब 1 हफ्ते हो गया क्वेरी रेज्ड हुए, तो क्या मैं अपलोड कर सकती हूँ या नहीं। तो मैंने इनको बताया कि आप जो है हाई स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट, दोस्तों पहले देखिए क्या होता था कि हाई स्कूल की जो जो अंक तालिका होती थी, जो मार्कशीट होती थी, और वो एक सनद होती थी। तो उसमें क्या है कि जो पुराने पास आउट हैं हाई स्कूल के, उसमें सनद अलग से आती थी जिसमें नाम, फादर नेम, ये सब लिखा होता था, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता था, तो ये अलग से रहता था। एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता था और एक अंक तालिका मिलता था। तो इसमें इनको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना, अगर न्यू पास आउट होंगे तो उसमें अंक तालिका और सनद एक साथ आती है, पासिंग सर्टिफिकेट और अंक तालिका दोनों एक साथ में आती है। तो वही इनको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और कंप्लीट इंटर्नशिप सेक्शन 5 इनको अपलोड करना है, इंटर्नशिप का 5th सेक्शन। देखिए, इसमें दिया है अपलोड कंप्लीट इंटर्नशिप सेक्शन 5 अटेस्ट बाय कॉलेज प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड स्टाम्प। इनको इंटर्नशिप का पूरा सेक्शन जो है इनको अपलोड करना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि जो 5th सेक्शन है वो कॉलेज के द्वारा अथोराइज साइन एंड स्टाम्प उस पर लगा होना चाहिए। हो सकता हो जब इन्होंने अपलोड किया हो तो कॉलेज का साइन स्टाम्प प्रॉपर तरीके से उसमें दिखाना हो, इसकी वजह से क्वेरी रेज्ड हुई है। तो इनको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप का 5th सेक्शन अटेस्ट होना चाहिए साइन और स्टाम्प से, जिसमें कॉलेज का साइन और स्टाम्प होता है। अपलोड फाइनल कॉलेज अप्रूवल लेटर, इसमें फाइनल अप्रूवल लेटर भी इनको अपलोड करना है। कॉलेज का जो अप्रूवल लेटर होता है वो PCI की वेबसाइट से आप उसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट का आपको एक PDF में जो है बना लेना है, आपको एक PDF में इसको बनाना है, उसके बाद आपको यहीं से जा करके क्वेरी का रिस्पांस करना है। देखिए, इसमें दिया भी हुआ है एप्लीकेंट नीडेड टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट इन सिंगल PDF एज आस्क्ड बाय द काउंसिल ओनली इन PDF। तो अप्लीकेंट से इन्होंने जो है कहा है कि आपको एक ही जो है PDF में, PDF फाइल में इसको कन्वर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट को, उसके बाद ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और नीचे दिया गया है सत्यापन प्रक्रिया में चिन्हित प्रश्नों वाले उम्मीदवारों को इसे 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर स्पष्ट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने डैशबोर्ड पर जा करके स्टेटस चेक करते रहा करिए, ज्यों ही क्वेरी आती है उसका रिस्पांस आप तुरंत देने की कोशिश करिए। 3 से 4 वर्किंग डे से जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि उसको जो है काउंसिल वाले देखने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं और आपका ग्रीन कार्ड जनरेट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डैशबोर्ड चेक करते रहिए, स्टेटस चेक करते रहिए, ज्यों ही क्वेरी आती है आप उसका रिस्पांस तुरंत दे दिया करिए। लेकिन हाँ, अगर आपका 3 से 4 वर्किंग डेज हो गया है और आपने रिस्पांस नहीं दिया है तो आप उसका रिस्पांस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जहाँ आपका 10 दिन 15 दिन में वेरिफिकेशन होना है, आपका 20 से 25 दिन लग सकता है, ज़्यादा कोई अंतर इसमें नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग क्वेरी का रिस्पांस जल्द से जल्द दे दीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।